बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ आप सब खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है खासकर उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि भाई गूगल एडसेंस की तरफ से आप 3 बार अप्लाई करें, 4 बार अप्लाई करें, आपको पिन कभी नहीं मिलने वाली, या वो लोग जिनको अभी तक एडसेंस की पिन नहीं मिल पाई, तो ये सभी लोग इस वीडियो को लाजमी वॉच करें क्योंकि ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है। आप लोग मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि भाई दो गूगल एडसेंस की पिनें लेकर ये खड़ा है, ये बंदा आखिर चक्कर क्या है? तो भाई सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरे पास 2 एडसेंस पिनें कहाँ से आई, कैसी आई और कब आई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तो भाई मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि यार मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बात स्टार्ट करते हैं गूगल एडसेंस पिन की। फ्रेंड्स, मैंने आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले एक एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया। अप्लाई किस वक्त किया? जब मैंने आइडेंटिटी वेरीफाई की तो पहली पिन के लिए जो है वो उसी वक्त अप्लाई हो जाता है। अब मैंने 2 से 3 महीने वेट किया, मुझे पिन नहीं मिली। उसके बाद जब 4th महीना स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट में ही मुझे जो है ना एक पिन, ये वाली, ये एडसेंस की तरफ से मुझे, आप कैमरे में आप देख सकते हैं कि ये पिन मुझे जो है वो मौसूल हो गई। इस पिन के ज़रिए मैंने अपने एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई कर लिया, लेकिन जो मैंने फ़र्स्ट टाइम पिन अप्लाई की थी 2 महीने के बाद, मैंने नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप था, मतलब दूसरी बार फिर पिन के लिए अप्लाई की, तो जो दूसरी पिन थी वो मुझे आज मौसूल हुई है। ये देखें, ये पहली पिन है और ये जो मैंने बाद में अप्लाई किया था ये मुझे बाद में मिली है। अब जो पहली पिन थी उसके साथ मैंने एडसेंस को वेरीफाई कर लिया। अब ये जो दूसरी पिन है इसमें भी सेम मेरा एड्रेस है, सेम नाम है, और जो पिन है एडसेंस वाली वो भी बिल्कुल सेम है। लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई अगर आप फर्स्ट टाइम पिन के लिए अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा आप वेट कर लें, 1 महीना 2 महीने। एडसेंस वाले जैसे ही आप इधर से अप्लाई करते हैं फौरी तौर पर, क्योंकि यार उनका ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो फौरी तौर पर वो आपके एड्रेस के ऊपर एक पिन जो है वो सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि भाई मैंने 4 बार अप्लाई किया, 3 बार किया, 2 बार किया, एडसेंस की पिन नहीं मिली, ये एक ड्रामा है, फ्रॉड है। तो भाई ऐसा हरगिज़ नहीं है। एडसेंस को जब भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आइडेंटिटी वेरीफाई के बाद आप 3 बार पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, पहला महीना आपने अप्लाई करना है, 1 महीना वेट करना है, फिर 1 महीने के बाद दूसरी बार अप्लाई करेंगे और फिर तीसरी बार। लेकिन ये बहुत ही कम देखने मिल, मतलब अक्सर हो जाता है इस तरह, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी बंदे को पिन ना मिली हो, बल्कि हर बंदे को पिन मौसूल होती है और वो उसके ज़रिए अपने एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी 2 पिनें हैं। मैंने इसलिए सोचा कि भाई आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं कि अगर आप 3 बार भी अप्लाई करेंगे तो एडसेंस वाले आपके घर के पते के ऊपर जो है 3 बार पिन जो है वो अरसाल कर देंगे। तो इस तरह आप आसानी के साथ पिन के लिए अप्लाई करें, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। जल्दबाजी आप कर जाते हैं कि यार मुझे पिन नहीं मिली, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आप जस्ट अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आप 1 से 2 महीने जो है वो सब्र कर लें और उसके बाद आपकी जो पिन है आपके पते के ऊपर आपको मिल जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि एडसेंस वाले पिन नहीं भेजते, कभी भी पिन नहीं आती, तो भाई उनके लिए एक ज़िंदा मिसाल है, 2 पिनें मेरे हाथ में है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।